राजपूतों की नाराजगी बीजेपी को कई राज्यों में ले डूबी, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार व अन्य कई जगह राजपूत समाज ने बीजेपी का बहिष्कार कर विरोधी जिताऊ कैंडिडेट को वोट दिए हैं, जिसमें राजपूत महाराजाओं की जाति बदलने वाले मुद्दों की वजह भी बड़ा कारण रही बीजेपी की हार का। राजपूत समाज का कहना है, हमारे पूर्वजों को बीजेपी ने 5 किलो अनाज की तरह हर किसी को बांट दिया। राजपूत गुर्जर विवाद में हरियाणा के कैथल में राजपूत समाज पर लाठीचार्ज भी भारी पड़ गया। उत्तर प्रदेश में भी क्षत्रियों की नाराजगी की भी बीजेपी को कीमत चुकानी पड़ गई। पहले गुजरात में परषोत्तम रूपाला का क्षत्रियों पर कमेंट मुद्दा बना, उसके बाद वहां के प्रशासन ने क्षत्रिय समाज के नेताओं की पगड़ी उतारी व महिलाओं को जबरन गाड़ियों में ठूंसने की कोशिश की व दुर्व्यवहार किया, जिसका आंच यूपी व अन्य राजपूत क्षेत्रों तक महसूस की जा रही थी। इस बीच गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट कटना भी मुद्दा बन गया। मतलब साफ था, बीजेपी क्षत्रिय समाज को बपौती समझ बैठी थी। इस बीच चुपचाप तरीके से एक अफवाह यह भी फैलाई गई कि अगर बीजेपी को 400 सीटें मिलती हैं तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बीजेपी हटा देगी। इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। पश्चिमी यूपी, हरियाणा व राजस्थान में लगातार कई जिलों में राजपूतों ने सम्मेलन करके कसम दिलाई कि किसी भी हालत में बीजेपी को वोट नहीं देना है, बीजेपी को हराने वाले मजबूत उम्मीदवार को वोट देना है। उसके बाद राजपूत समाज के नेताओं पर मुकदमे दर्ज होने की खबरें भी आई। राजपूतों ने जमकर अब की बार इंडिया गठबंधन को वोट किया है, जिसका रिजल्ट पूरे देश के सामने है। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश व हरियाणा में राजपूत समाज ने एक तरफा इंडिया गठबंधन को वोट दिया है। राजपूत समाज वैसे पहले बीजेपी का कोर वोटर रहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर बसपा प्रमुख मायावती तक ने क्षत्रियों से नाराजगी के मुद्दे को चुनावी मैदान में उछाला। मुजफ्फरनगर में क्षत्रियों के नाराजगी का मुद्दा खूब गरमाया गया। मुजफ्फरनगर से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान चुनावी मैदान में थे। उनका पीछे चलना बताता है कि राजपूतों की नाराजगी उन्हें भारी पड़ गई। भारतीय जनता पार्टी के ही संगीत सोम ने उनको छूना लगा दिया। प्रतापगढ़ में राजा भैया राज्यसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखे थे, पर बाद में उनकी नाराजगी से भी पार्टी को नुकसान पहुंचा। राजपूत समाज का कहना है, हमें बस स्वाभिमान चाहिए, बाकी कुछ नहीं, और हम आगामी विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी को धूल चटाने का भरसक प्रयास करेंगे। हालांकि इस नाराजगी की गूंज दिल्ली तक पहुंच चुकी है और लगभग सभी राष्ट्रीय चैनलों पर इसका जिक्र तेजी से हो रहा है। राजपूत समाज का ये पोलिंग बूथ में दिखाया जाने वाला ये शक्ति प्रदर्शन बीजेपी की जड़ें खोद गया। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।